रिसर्च है, दवाओं से नहीं इस फूल से दूर होगी डायबिटीज। जान लें इस्तेमाल करने का तरीका। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका एक ही इलाज है, नियमित खान पान, सामान्य और संतुलित जीवन शैली। हालांकि कई बार मधुमेह के रोगी कुछ घरेलू इलाज अपना कर भी इस बीमारी से निजात पा लेते हैं। यदि आपकी लाइफस्टाइल बेहतर है और कुछ घरेलू नुस्खों पर आप ठीक से अमल करते हैं तो यह बीमारी दूर हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक डायबिटीज की बीमारी का इलाज इस लोकप्रिय फल के फूल में भी छिपा है। आइए आपको बताते हैं कैसे आपकी डायबिटीज को दूर कर सकता है ये फूल। दरअसल ऐसी कई प्राकृतिक चीजें हैं जिसमें कई तरह की लाइलाज बीमारियों का इलाज छिपा है। इन्हीं प्राकृतिक चीजों में कई पेड़ पौधे हैं जिनमें ऐसे औषधीय गुण हैं जो मधुमेह को जड़ से समाप्त कर देते हैं। आगे की स्लाइड में जानिए कौन सा है वे पेड़ जिसमें छिपा है डायबिटीज की बीमारी का इलाज। दरअसल केले में पेड़ और उसमें भी केले के फूल में डायबिटीज का इलाज है। जिस तरह से केला फायदेमंद है और कई तरह के विटामिन से भरपूर है, वैसे ही केले की पत्तियां, तना और फूल भी बहुत काम का है। एक तरह से केले के पूरे पेड़ में औषधीय गुण भरे होते हैं। साल 2011 में आई एक रिसर्च के मुताबिक केले के फूल में ऐसे कई चीजें हैं जो डायबिटीज में दवाई का काम करती हैं। केले के फूल को आप चाहें तो कच्चा खा सकते हैं या फिर उसके कई तरह के व्यंजन भी बना सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की ओर से साल 2013 में यह बात सामने आई कि केले का फूल डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे पहले इस तरह की रिसर्च साल 2011 में भी हुई थी। इस रिसर्च में पाया गया कि केले के फूल डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में फायदेमंद है। रिसर्च कहती है कि केले के फूल के सेवन से डायबिटीज के पेशेंट के शरीर में एक खास प्रोटीन बनना कम होता है जो शुगर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि ये शोध डायबिटीज ग्रस्त चूहों पर भी किया गया था। इन चूहों का वजन बहुत ज्यादा था। रिसर्च में बताया गया था कि उन सभी चूहों के खून में खून और पेशाब में काफी मात्रा में शुगर थी। रिसर्च के मुताबिक जब इन चूहों को केले मात्रा के अनुसार केले का फूल सेवन करने के लिए दिया गया और पाया गया कि चूहों के शरीर में ब्लड शुगर का स्तर काफी कम हो गया।